बचपन में मैंने पहाड़ से थी वो बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी, बहुत सी फैंटेसीज थी मेरे जहन के अंदर। मतलब मैं सोचता होता था कि वहाँ पे घर होगा, वहाँ पे मेले लगते होंगे, वहाँ पे लोग रहते होंगे, वहाँ पे जानवर होंगे। मतलब एज अ किड मेरे जहन में ये सवाल उठता था कि आखिर क्यों मतलब लोग ऊपर जाते हैं, कुछ तो ऐसा होगा ना कि लोग ऊपर जाते हैं वहाँ पे। फर्स्ट टाइम जो मुझे क्यूरियोसिटी थी जिसने मुझे मजबूर किया था अपने फादर को मनाने पे, क्योंकि मैंने अपने फादर से फर्स्ट टाइम जिद की थी कि मैंने जाना है मकड़ा पीक के लिए जो कि शोग्रान वैली में है। मेरे फादर ने मुझसे ये बात की कि ऊपर जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको गियर्स चाहिए, उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए स्टेमिना चाहिए। उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मतलब नहीं जाना, लेकिन फिर भी मैंने अपने फादर को फोर्स किया कि मतलब प्रॉपर गियर के साथ और प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ जो है वो मैंने वहाँ पर जाना है। That was the first time के मेरे फादर जो थे वो मेरे साथ जो थे वो बेस कैंप तक गए। जब मैं टॉप पे पहुंचा वहाँ पे जाके, मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी फैंटेसी के लिहाज से उधर कुछ भी नहीं था। एक तरह से मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी हुई वहाँ पे, लेकिन मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि मैं जो हूँ वो सबसे ऊपर हूँ इस वक्त। ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट थी। 15 साल का था जब ब्रॉड पीक जाने का सोचा था। मतलब मैंने नहीं सोचा था पहले कि मेरे लिए इतना टफ हो सकता है। ब्रॉड पीक की हाइट के लिए मुझे एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया उसमें। अपनी रूटीन से बिल्कुल साइड पे हो गया, मेरा सब कुछ चेंज हो गया, डाइट चेंज हो गई। 25 kg का बैग लोड करके भागता होता था, रनिंग करता होता था 8 kilometers, 9 kilometers। इसके बावजूद भी मुझे एक और ट्रेनिंग की ज़रूरत थी जो कि एक टेक्निकल वे में जो आप माउंटेन पे किसी भी सेल्फ रेस्क्यू के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने फिर कांटेक्ट किया अपने टीचर जाहिद राजपूत से, जिन्होंने मुझे होपर वैली के अंदर बुलाया। तो वहाँ पे जाके जो है वो फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है मुझे आइस क्लाइंबिंग करवाई वहाँ पे, और डिफरेंट चीज़ें सिखाई जो कि सेल्फ़ रेस्क्यू में और बहुत सी चीज़ों में काम आ सकती हैं। मकड़ा से लेके ब्रॉड पीक तक का जो मेरा सफ़र है उसमें मैंने बहुत से मुश्किल पीक्स और पासिस किए हैं, जैसे कि मिंगलिक सर 650 meters पीक, और उसके बाद खुर्दुबीन पास जो कि काफ़ी टेक्निकल पास है ये, और इसको हमने क्रॉस किया। ये ट्रेनिंग जो थी वो मेरे पिछले पूरे 6 साल की ट्रेनिंग से बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पे 90 डिग्री की आइस क्लाइंब मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम की थी। उस ट्रेनिंग के बाद मैं बिल्कुल रेडी था कि मैं 8000 मीटर की पीक समिट करूँ। आफ्टर ट्रेनिंग जो है वो हम लोग एक ग्रुप की फॉर्म में आए जिसमें हम 4 लोग थे, 2 फॉरेनर्स थे और 2 पाकिस्तानी थे। तो सब जो हैं जब आपस में मिले तो सब बहुत नर्वस थे, बहुत डरे हुए थे, खुश भी थे। मतलब कि उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो कम्प्लीट करने जा रहे हैं। हम स्कर्दू PTDC मोटर से अस्कोली पहुँचे और अब हम जो हैं वो सिविलाइजेशन से बिल्कुल कट होने वाले थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक लिंक रह जाता है जो कि सैटेलाइट फ़ोन है। उसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। फर्स्ट डे जो थे वो हम लोग चलना स्टार्ट किया हम 7 बजे। रास्ते में काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि पहला दिन था मेरा और मैं जो था वो अपना गोल अचीव करने जा रहा था, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और इसमें हमें सर्वल मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो काफ़ी जगह जो थी वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से पाथ बिल्कुल कट गया हुआ था, तो हमें बहुत मुश्किल से उसे क्रॉस करना पड़ा और बहुत परेशानी हुई इस चीज़ में। हम लोग जो थे वो 5 घंटे बाद जो थे वो झोला कैंपसाइट पहुँचे। गरीबों की दुआ क्यों नहीं लेते,
भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। उस दिन हमने कपड़े धोए, नहाए, अच्छे अच्छे खाने पकाए। डे फोर में हमने पेजू से उर्दू का कैंप साइट जाना था जो कि 4100 मीटर की बुलंदी पे है, और ये हमारे लिए एक बहुत लंबा दिन था। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें दुनिया का चौथा बड़ा ग्लेशियर जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि बालतोरो ग्लेशियर। इसे हम बालतोरो ग्लेशियर पे हैं, ज़ीरो विजिबिलिटी है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे और कुछ पता नहीं लगा कहाँ पर जाना है कहाँ पर जाना है, बस अल्लाह अल्लाह करके चल रहा हूँ, कहीं ना कहीं निकल जाऊँगा यहाँ से। ये उर्दू का कैंप साइट है, यहाँ पे शदीद किस्म की स्नोफॉल हो रही है। जब उर्दू का कैंप साइट पहुँचते हो तब आपको बहुत प्यारा व्यू मिलता है वहाँ पे। वहाँ पे डिफरेंट माउंटेन्स होते हैं, जैसे ट्रेंगो टावर है, पेंगुइन पीक है, अली बियाफो है, उसके बाद द ग्रेट ट्रेंगो है। उर्दू का कैंप साइट जो थी एक वाहिद कैंप साइट थी जहाँ हमें पीने का साफ पानी मिला था, वरना हम जो थे वो कीचड़ वाला पानी पीते आ रहे थे। और कीचड़ वाला पानी पीना जो होता है वो मतलब उसका टेस्ट बहुत ही अजीब होता है, लेकिन हमें पीना पड़ता है वो पानी क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है हमें। ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ। डे सिक्स में जो है वो हम लोग गोरो टू कैंप साइट की तरफ जा रहे थे जो कि टोटली रॉकी ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है दोबारा से। इसमें हमें 4 घंटे लगे थे जाते हुए और ये सबसे सुकून वाला ट्रैक था। डे 8 जो था वो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल था बिकॉज हम लोग जो थे वो ब्रॉड पीक बेस कैंप जा रहे थे, और बेस कैंप जो है वो हम क्लाइंबर्स का घर होता है क्योंकि हम वहाँ पे अपने कैंप वगैरह सेटल करते हैं, अपने मेस टेंट सेटल करते हैं। जब हम उर्दू के कैंप साइट से नीचे को डिसेंड करते हैं तब वहाँ पे एक ब्रॉड पीक मेमोरियल बना हुआ है जहाँ पे हर उस क्लाइंबर की प्लेट लगी हुई है जो ब्रॉड पीक क्लाइंब करते हुए जो है वो अपनी जान गवा बैठा था। मुझे वहाँ पे ये एहसास हुआ कि इधर ना सिर्फ उनकी सोल्स हैं, उनके वो जज्बात हैं, वो अधूरा ख्वाब है, वो उनकी पैरों की आवाज़ें हैं, वो उनके दिल की धड़कनें हैं जो शायद अभी तक धड़क रहा है और उनके पैरों की आवाज़ अभी तक चल रही है। तो उस वक्त मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि मैं अपना ख्वाब तो पूरा करने जा रहा हूँ लेकिन जो लोग अपनी जानें गवा बैठे हैं क्यों ना मैं उनका ख्वाब भी पूरा करूँ। सो फाइनली वी आर एट कंकोडिया द व्यू पॉइंट ऑफ K2 और स्नो काफ़ी ज़्यादा है इधर। बहुत फिट आ रहा है, बिल्कुल सामने K2 है लेकिन अनलकीली क्लाउड्स की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। ये बिल्कुल आपके सामने जो है वो ब्रॉड पीक है और ये काफ़ी ज़्यादा बर्फ है इस पर कनकोडियो पे, और सब कह रहे हैं कि जो है वो ब्रॉड पीक बेस कैंप पे काफ़ी बर्फ मिलेगी लेकिन देखते हैं क्या होता है। जब मैंने ब्रॉड पीक को देखा तब मैं उससे बात करना शुरू हुआ, और क्योंकि पिछली बार जो था वो मैंने ब्रॉड पीक नहीं कर सका तो मैंने ब्रॉड पीक की पिक्चर पे अपना यही कैप्शन दिया था कि बहुत बुरे हो तुम, तो मैंने सबसे पहले तो उसके लिए सॉरी किया
मैंने उसे कहा कि इस बार जो है मतलब मैं एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए आया हूँ, तो लेट्स मीट। मतलब आप इमेजिन करें कि आप अपने टेंट ओपन करें और आपके सामने K2 है, ऊपर तारों से भरा हुआ आसमान है, आपको मिल्की वे नज़र आ रही है, उसमें से बहुत से शूटिंग स्टार्स गिर रहे हैं। आप बहुत लकी हैं कि अगर आपको ऐसा मंजर मिल रहा है। ब्रॉड पीक बेस कैंप पे एक हफ्ता ठहरने के बाद जो है मैंने और मेरे रिपोर्टर ने डिसाइड किया कि हमें कैंप 1 लगाना चाहिए जाके। तो मैंने अपने बोटर से कहा था कि चलो ऐसा करते हैं कि कल कैंप 1 निकलते हैं। जब मैं सुबह 5 बजे उठा तो स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने अपने बोटर से कहा यार ये तो स्नोफॉल हो रही है, अब कैसे जाएंगे? तो उसने मुझे आगे से कहा कि कोई बात नहीं चलते हैं। चल खैर अल्लाह का नाम लेके हम निकल गए वहाँ से। ब्रॉड पीक में सबसे ज़्यादा जो ख़तरा आता है ना वो बेस कैंप से लेके कैंप 1 तक आता है, क्योंकि एक्सट्रीम रॉक फॉल होती है और एवलांचेस का बड़ा ख़तरा होता है, जो कि मतलब पर्सनली मैं बॉन्ड करता हूँ उस चीज़ से, क्योंकि एवलांच अगर एक क्लाइंबर के सामने आ जाए ना तो बस उसे अल्लाह ही बचा सकता है, उसके अलावा तो और कोई भी नहीं बचा सकता उसे। तो जब हम जा रहे थे तो ऊपर से बर्फ़ के छोटे छोटे बॉल्स आना शुरू हो गए, तो मैं एकदम डर गया, मेरा पोर्टर भी एकदम डर गया। तो उसने कहा कि जल्दी जो है ना वो पत्थर वाली साइड पे निकलो। तो हम लोग जो है ना ऊपर जाने की बजाय ट्रेवर्स जाना शुरू हो गए, पत्थर के पीछे जाके तो हम छुप गए। पहाड़ पे जो है वो हर किस्म की पॉसिबिलिटी मिल रही थी हमें इस वक्त, तो मतलब कभी हवा चल रही है, कभी पत्थर आ रहे हैं, कभी स्नोफॉल हो रही है, मतलब किसी चीज़ के बारे में हम श्योर नहीं है कि यार ये ऐसा होने वाला है अभी। मतलब हमें हर चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना पड़ता था उस वक्त। है क्या हो रहा? आवाज आ रही हो रही है। करते 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 हम आखिर कैंप 1 पहुंचे, वहां पे जाके बैठे। मैं तो ये समझता हूँ कि ऊपर जाने से ज्यादा जो है वो नीचे आना मुश्किल है, क्योंकि नीचे आते वक्त बहुत खतरा होता है। एक दफा अगर आप स्लिप हो जाए उस पर तो नो चांस कि आप बच जाए वहां से। सेफ्टी लगा दिया। की क्लाइंब होती है तो ये बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत एहतियात करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। तो ये जितनी हार्ड एक्सरसाइज थी ये हमने 4 मरतबा की अपनी एक्लेमेटाइजेशन पूरी करने के लिए। फर्स्ट डे कैंप 1 गए और वापस आए, तो सेकंड डे जो है वो कैंप 1 से गुजर के डायरेक्ट कैंप 2 गए। मतलब ये जो 6 घंटे का ड्यूरेशन है इससे ऊपर 4 घंटे मजीद गए, और इससे हार्ड क्लाइंब के अंदर। आफ्टर 10 आवर क्लाइंब वी आर एट ब्रॉड पीक कैंप 2। ब्यूटीफुल वेदर, amazing climb. It was second time at camp 2. Tomorrow we are going to camp 3, so it's like from base camp to direct camp 2 it took 10 hours. Yeah, pretty fast, but like we are pretty tired too. 6500 pe hum yahan kofte kha rahe hain baith ke, aur roti ke sath wo bhi, aur ये बड़े नसीबों वालों को मिलता है ये खाना। मुझे ये चीज़ श्योर थी कि अगर मैंने कैंप 3 लगा लिया तो मैं समिट कर जाऊंगा। तो 7200 meters, 6100 से इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग डे फॉर अस। 8 घंटे क्लाइंब के बाद 80 डिग्री की वॉल पे है हम 7200 पे पहुंचे, और जब हम 7200 पे जा रहे तो मुझे थोड़े थोड़े कैंप नज़र आए। तो मैंने अपने पोर्टर को भी मुबारकबाद दी, अब्बास को और अकबर को, कि
कि हम जो है वो कैंप 3 पहुंच गए हैं और हम अपनी सक्सेस के बहुत करीब हैं। तो जब हम बेस कैंप पे वापस आए तो हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट चाहिए था क्योंकि हमने फाइनल समिट पुश की तैयारी करनी थी। अब वो टाइम आ गया था कि हम लोग जो हैं वो अपनी डेस्टिनेशन को कंप्लीट करें, अपने गोल को अचीव करें, जो जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं ब्रॉड पी को समिट करने के लिए। उस बादलों से ढका हुआ चाचू केटू हमारे और उसके बिल्कुल साथ छोटी सी खाला हमारी ब्रॉड पी जिसको हम समिट करने जा रहे हैं। तो 7 बजे हम लोग चलना शुरू हुए और चलते 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 रात हो गई। आप एक चोटी पे चढ़ रहे हैं और आपके बिल्कुल नीचे जो है वो बादल हैं, उससे उसके नीचे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। चांद जो है वो डूब रहा है, सूरज निकल रहा है। एक जहाज़ जो है ना वो 35,000 फीट की जो है ना वो हाइट पे उठता है, तो मैं जो था वो 29,000 फीट पे था। मतलब कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आपके दिमाग में और आपके लंग्स में जो है वो नमी जमना शुरू हो जाती है। सोलह घंटे क्लाइंब करने के बाद जो है वो मैं ब्रॉड पीक के टॉप पे पहुंचा। सबसे पहले मैंने अल्लाह ताला का सजदा शुक्र अदा किया क्योंकि उनकी मेहरबानी के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। फिर वॉकी टॉकी से हमने अपने बेस कैंप पे बताया कि हम टॉप पे हैं, वहाँ पे अपना जश्न होने लग गया। उन्होंने फिर मेरे फादर को कॉल की। ये एक बहुत खुशी की बात थी और वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी। यार टॉप ऑफ ब्रॉड पीक 8,047 meters एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द स्काई, फैंटास्टिक एंड लाइक सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम, सो ब्यूटीफुल पाकिस्तान। जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाह हू अकबर।